नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फिर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, गर्मी की छुट्टियां हैं और सबसे बड़ी चिंता जो पेरेंट्स को आ रही है कि बच्चों से होमवर्क कैसे कराएं, खासकर छोटे बच्चों से। हर आदमी हर परेशान है कि कैसे बच्चों से होमवर्क कराएं। ये कॉमन समस्या है जो हर पेरेंट्स को झेलनी पड़ती है। इसका तरीका क्या है, यही जानने की ज़रूरत है। पहली चीज़, छोटे बच्चों को जो कंसंट्रेशन पावर होता है, सिटिंग पावर होता है, वो बड़ों की तुलना में कम होता है। इस चीज़ को सबसे पहले ढंग से समझ लें। ये नहीं होगा कि जैसे बड़े बच्चे पढ़ते हैं छोटे बच्चे भी उतनी देर बैठ के पढ़ेंगे, ये नहीं संभव है। दूसरी चीज़, जब बच्चे को होमवर्क करा रहे हैं तो जो पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है उस वक्त, वो भी पूरी तरह से अपने सभी काम से फ्री होके बैठे, ना उस वक्त वो मोबाइल चलाएंगे, ना वो किसी से बात करेंगे। उस वक्त पूरा कंसंट्रेशन बच्चे के साथ होगा। बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इसके बाद अब बात शुरू होती है, एक साथ सारे सब्जेक्ट्स जिसके होमवर्क हैं सारी कॉपियां ना निकालें। जिस सब्जेक्ट का काम कराना है बस उस सब्जेक्ट का निकालें। बच्चे को ना टाइम लिमिट दें, ना बाउंड करें कि इतना करना है। जितना जितना वो करता जाए आपको उसके बाद बोला, अरे वाह इतना कर लिया, बस थोड़ा सा और बचा है। इन चीज़ों को यूज करना है, ना कि ये अरे अभी तक कुछ किया ही नहीं इतना बचा हुआ है, ये नहीं कहना है। आपको उसे इनकरेज करना है, बार बार इनकरेज करना है, बार बार उसको कहना है कि नहीं बस इतना कर लिया, बस इतना सा बचा है, इतना कर लिया, इतना सा बचा है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से रखें, बहुत सारे पेरेंट्स गलती करते हैं कि काम शुरू होने से पहले उन्हें एक गिफ्ट का लालच दे देते हैं, तुम इतना कर लोगे तब तुमको ये देंगे। ये गलत है, क्योंकि बच्चे ने काम छोड़ दिया बीच में और पसर मचा के आपसे वो गिफ्ट भी ले लेगा, तो ये चीज़ गलत है। करना क्या है, जब सरप्राइज रखिए, जब बच्चा अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले उसके बाद उसको कुछ गिफ्ट प्रेजेंट कीजिए। तब उसके अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा ये बना रहेगा कि मैं जब ये काम कर लूँगा तो कुछ मुझे गिफ्ट मिलेगा, ना कि ये कि आपने पहले से ही बोल दिया तुमको तो आज मैं ये दूंगी, तुमको तो मैं आज ये दूंगा, नतीजा उसने कुछ नहीं किया और बाद में उसने आपसे वो सामान भी ले लिया, वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। तो जो पहली चीज़ करनी है, कम किताब लेके उसको बैठना है, किसी भी तरह का गोल फिक्स नहीं करना है, खुद के साथ भी मोबाइल ऑफ करके बैठना है, बार बार उसे इनकरेज करना है कि हाँ बहुत अच्छा किया, बस थोड़ा सा और कर लो, थोड़ा सा और कर लो। और जब वो पढ़ रहा हो तो टीवी या म्यूज़िक कुछ भी नहीं चलना, जिससे वो कंसंट्रेट करे। और यहाँ पे पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करे कि उसका बच्चा जो है वो किस तरह से सीखता है, वो देख के, पिक्चर देख के ज़्यादा सीखता है या सुन के ज़्यादा सीखता है। इसको पेरेंट्स ऑब्जर्व करें, तब जाके जब धीरे धीरे वो बात करेंगे तो बच्चा होमवर्क भी कंप्लीट करेगा। तो बच्चे को होमवर्क कंप्लीट कराने के लिए किसी भी तरह का लालच ना दें, बल्कि उसको सरप्राइज गिफ्ट दें। ऐसा आप करेंगे तो बच्चा होमवर्क बहुत जल्दी कर लेगा। धन्यवाद दोस्तों।